चलिए, तो हम लोग देख रहे थे भारतीय भारत और वो विश्व का भूगोल। तो चलिए इसी कड़ी में देखते हैं, पूर्वी व तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? तो इसका नाम है नीलगिरी। जल डमरू से क्या अभिप्राय है? तो ये दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी होती है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा तीन महाद्वीपों को छूती है। तो ये भूमध्य सागर, याद रखिए, भूमध्य सागर की सीमा तीन महाद्वीपों को छूती है। अगला, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये पनामा में नहर। अगला, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला, हिमालय आल्पस एटलस रॉकीज एंड्रीज किस प्रकार की पर्वत है? तो है ओवालिक पर्वत। अगला है, वनस्पतियों जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी में। अगला है, भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह है काराकोरम दर्रा। अगला है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो है पश्चिमी घाट। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला है, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मार्मा गोवा से तिरुवनंतपुरम तक। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। अगला है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। अगला है, गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? काकड़ा पार परियोजना। अगला, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो एक जावा द्वीप पर स्थित है। अगला, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा को। अगला, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस। अगला, चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? कलपक्कम में। अगला, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में? झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगला है, विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच। अगला है, मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। अगला है, कोलोरेडो नदी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, सूरीनाम किस देश का नया नाम है? डच आयना का। अगला, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम के तट पर। अगला, निषिद्ध शहर का किसका उपनाम है? ल्हासा तिब्बत का। अगला, किस देश को प्रवासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। अगला, आइसोहाइट रेखाएं होती हैं वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। अगला, झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरेनांग के समीप शेषनांग झील। अगला है, कश्मीर की भूलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अगला है, नंदा देवी हिमालय की किस भाग की चोटी है? कुमायू हिमालय भाग की। अगला है, बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। अगला है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो है जम्बेजी नदी पर। अगला है, सुपरसोनिक विमान की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है समता मंडल। अगला है, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अगला है, हमारा डक्कन मार्ग किन के मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। अगला है, भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिच्छेद तीन राज्यों में स्थित है? पांडिचेरी। अगला, उत्तरांचल का प्रसिद्ध कैंपरी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है? मसूरी। अगला, कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? केरल। अगला, विश्व के तीन प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं? मेलबोर्न, मॉस्को, वॉशिंगटन। अगला, लावा से कौन सी मिट्टी का प्राप्त होती है? रेगुर मिट्टी। अगला, फेरिज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? बेल्ट डाउन्स। अगला, दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी।
अगला है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुरुस मैन। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, चार राज्य में। अगला, मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अगला, दाची ग्राम वन अभ्यारण किस राज्य में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध। अगला, गिर वन कहाँ पाया जाता है, यह किस पशु का अभ्यारण है? गुजरात में जूनागढ़ जिला में शेरों का अभ्यारण है। अगला, पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है, निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अगला, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लिब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है न्यू फाउंडलैंड। अगला है हमारा रोम सागर, कैरिबियन सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर है? अटलांटिक महासागर के। अगला है, रेगुर मिट्टी की प्राप्त किससे होती है? लावा से। अगला है, सवाना तुल घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राजील में क्या कहा जाता है? लोनोज या लोनोज तथा कंपास। अगला है, पॉलीकट एक वलयाकार लंगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाला द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। अगला, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदावेता। अगला, पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थाल घाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? कोलकाता और पुणे। अगला, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत। अगला, वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो पोप ग्रेगरी 13 को। अगला है, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? तो एक ग्रेनाइट चट्टान से। अगला है, 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलड्रम। अगला है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? टी सांगो। अगला है, देहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेर कर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। अगला है, जायकवाड़ो बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। अगला है, चंद्र प्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी में के निकट। अगला है, रेडियो आकाश गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हब्बल के नियम का। अगला है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थित स्थिति में होती है, यह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर तथ्या त्रिहेलियन। अगला है, वह तिथि क्या है कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात दिन की अवधि बराबर होती है? विषुव। अगला है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? बिली जेड। अगला है, भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गंगा का। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। अगला है, जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। अगला है, पिम्मी और ब्रुशमैन क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? पिम्मी कांगो बेसिन में और उसमें है कालाहारी मरुस्थल। अगला है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी का। अगला, चंद्र प्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी के पास। अगला है, दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में मिलती है। अगला है, झारखंड के जादूगोड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। अगला है, वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? रियोन। अगला है, भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु। अगला है, इग्लू क्या होता है? बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर। अगला है, पिग्मी जनजाति का निवास है कॉन्गो बेसिन। अगला है, भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सकस झील से निकलती है? सतलुज। अगला है, वूलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? झेलम नदी का। अगला है, विशाल का तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र के रूप में।